अच्छा, हमारी मालूमात के मुताबिक तो सरकारी मुलाज़मीन को तनख्वाहें मिलने की एक फिक्स डेट है, मतलब हमारी खुशगुमानी है कि हर महीने की आखिरी तारीख को आपको उस महीने की तनख्वाह मिल चुकी होती है, ऐसी है? नहीं, हमारे यहाँ रेलवे में एक बदकिस्मती है कि ब्रिटिश दौर में ये था कि तनख्वाहें मिला करती थी यकम को, पांच को, दस को, पंद्रह को। जब एक स्पेशल ट्रेन चलती थी तनख्वाहों के लिए, कोई भी मेल ट्रेन लेट हो सकती थी, वो ट्रेन लेट नहीं हुआ करती थी, उस ट्रेन के जरिए तनख्वाहें पहुंचाई जाती थी दूर दराज स्टेशनों के ऊपर। तो कंप्यूटर का दौर है, जदीद दौर आ गया हुआ है, तो अभी भी वही सिस्टम रखा हुआ है। भाई यकम को, पांच को, दस को और पंद्रह को देने का क्या जवाब है? आप यकम तरीक को सब लाजमन को तनख्वाहें, ये नहीं है, मतलब वो सिस्टम ले हैं, इस पर ही तवज्जो दी कि तनख्वाह अकाउंट में शिफ्ट नहीं होती, अकाउंट में शिफ्ट होती है, तो एक डेट पर होनी चाहिए ना, ये बेइंसाफी है। मुख्तलिफ जो डेट्स हैं जी, मुख्तलिफ तारीखें हैं, उस पर तनख्वाह देने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक ये थी ना, जब ट्रेन चलती थी मैंने आपको बताया ना, किसी लाहौर से ट्रेन चली है खजाना लेके, तो उसको पहुंचने में टाइम लगता था, उस ट्रेन के जरिए वो कोटा, दालबंदीन और तप्तान तक उस ट्रेन के जरिए तनख्वाहें जाया करती थी। अब तो वो दौर खत्म हो गया, अब तो आपके बैंक में एक बटन ही दबाना है ना, आपने हर जगह आपके पैसे चले नहीं, तो रेलवे के यहाँ जो फैसला साज हैं उनमें दिमाग का इस्तेमाल मना है? मेरा ख्याल जी, वो फैसला साजी सिर्फ मजदूरों को क्रश करने के ऊपर होती है, मजदूर रेलवे को बहाली की तरफ नहीं है। अगर रेलवे को, अब मुझे दे देखे, एक बस मालिक एक बस डालता, अगले साल उसके पास तीन बसें होती हैं, इनको नींद कैसे आ जाती है कि जिसकी चार गाड़ियां खराब पड़ी हो, रात को सो कैसे जाते हैं लोग? अदारे से लॉयल्टी नहीं, ओन नहीं करते कि अदारा मेरा है। जब तक ये अदारे को ओन नहीं करेंगे तो यही हालात हैं रहेंगे जो आज। अच्छा, आप अफसरों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मुलाजमीन काम करके नहीं राजी? हाँ, वो तो कहेंगे काम करके नहीं राजी, जैसे वो खुद पता नहीं कोई फलस्तीन में ट्रेन को लेकर चले गए हैं, वो बांग्लादेश में लेकर चले गए, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, बस खाम खा। मैं कहता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल वो जो है ना, ये इनकी ब्यूरोक्रेसी की नेग्लिजेंस, ये सौ